गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माइसेल्फ डॉक्टर रुबा सैनी। आज हम बीएड सेकंड ईयर के पेडागॉजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा के आगे की स्टडी करते हैं, जिसमें आज हम ग्राम सभा की बैठक के बारे में स्टडी करेंगे। ग्राम सभा की बैठक के संबंध में जो पहले वीडियो है उसमें कुछ पॉइंट्स आपको डिस्कस किए गए हैं, आप पहले वो वीडियोज देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो। अब ग्राम सभा की जो बैठक है अब जो स्थान निर्धारित किया गया है ग्राम सभा की बैठकों के लिए, वो गांव में ऐसा स्थान हो जहां पर सभी व्यक्ति बैठ सके। पहले तो ऐसे स्थान का सिलेक्शन जो ग्राम सभा का मुखिया या सरपंच होता है, जो बैठक का आयोजन करने जा रहा है, वो इस बात का ध्यान रखे कि ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर गांव के जो भी उस ग्राम सभा के व्यक्ति हैं, सदस्य हैं, वो सब आसानी से सुविधापूर्वक बैठ सके। दूसरी बात इसमें आती है कि अब बैठक के बारे में बात आती है कि बैठक अगर जो गांव में एक ही गांव से ग्राम सभा बनी है बैठक आयोजित की जाए। यानी जैसे पहला अगर हम गांव की बात करें तो पहला हम आगरोड की अगर बात करते हैं तो आगरोड के जो पास गांव है, जैसे खीवरणी अगर हम गांव कह सकते हैं, इधर धनारी गांव है, तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो गांव है उनसे मिलकर के अगर ग्राम सभा का गठन हुआ है तो रोटेशन के आधार पर कि पहली बैठक का आयोजन अगर धनारी गांव में हुआ है तो दूसरी कुजेला में होगा। इस प्रकार से रोटेशन के आधार पर समय समय पर बैठकों का आयोजन ग्राम सभा के अंतर्गत किया जाना चाहिए। नेक्स्ट में है कि अब ये जो बैठक है वो बैठक सूर्योदय से के बाद और सूर्यास्त से पहले बैठक आयोजित की जाए। यानी हम इसके बाद बैठक का आयोजन नहीं कर सकते, तो इस बातों का भी ध्यान रखा जाए। नेक्स्ट इसमें है कि अब बैठक के बारे में बात आती है तो
बैठक के अंतर्गत जो जिला पंचायत राज अधिकारी जो है या क्षेत्र पंचायत इनके द्वारा लिखित मांग, यानी मांग कैसी हो, रिटर्न में उसको दिया जाए, वर्बली नहीं, तो लिखित मांग पर 30 दिनों के अंदर जो सरपंच है या गांव का मुखिया या ग्राम प्रधान जो भी है 30 दिनों के अंदर बैठक का आयोजन करेगा। यदि इन 30 दिनों के अंदर ये जो मुखिया है या ग्राम प्रधान है ये बैठक का आयोजन नहीं कर सकता, तो सदस्यों के द्वारा यदि 30 दिनों के अंदर बैठक आयोजित नहीं की जाती है को
स्पष्ट कीजिए कि कब होती है, कहाँ होती है, किस स्थान पर होती है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है इन बैठकों के आयोजन की। तो ये सारी बातें आपको इस क्वेश्चन के आंसर में लिखनी है और इसका आंसर आपको 250 वर्ड्स में करना है। अब इसके साथ ही एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आए अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आए। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखिए। जहाँ तक आवश्यक हो घर से बाहर नहीं निकलिए, अगर आवश्यक हो तो फेस पर सदा मास्क लगा करके निकलिए। दूसरों को भी मास्क लगाने की सलाह भी दीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, कम से कम 6 फीट की दूरी बना करके रखिए। जो भारत सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसका सदैव पालन कीजिए। खांसते और छींकते वक्त अपने नाक पर, मुंह पर टिश्यू पेपर या कपड़े का इस्तेमाल कीजिए। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको कोई पाए जाते हैं जो कोरोना महामारी से रिलेटेड है तो आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लें, अस्पताल जाएं, अपना चेकअप करवाएं। और इसके साथ ही अपने सोशल मीडिया ग्रुप, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, व्हाट्सएप हो, हाइक हो, टेलीग्राम हो, अदर्स एनीथिंग एल्स जो भी आपके सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसमें कोरोना वायरस के बचाव के उपायों से रिलेटेड जो भी वीडियोज हैं, अगर आप वर्बली वीडियोस बना सकते हैं या आप कोई भी पोस्टर बना सकते हैं, स्लोगन लिख सकते हैं, पोएम लिख सकते हैं जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सकते हैं, तो ऐसे कार्य करके आप अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।